गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्यालय स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप मैथ पढ़ने जा रहे हैं। मैथ में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 लास्ट टाइम करवा रहा था, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर इज एक्सप्रेस 0.999 a डैश इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? सबसे पहले हम इसे 0.99 बार को 0.99 p अपॉन q जैसा प्रयोग करते हैं। इसे आप 0.9 बार लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नंबर दे देते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन करवाया था उसी के अकॉर्डिंग यहां पर भी आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स 9.9 बार, हम इसे 9 प्लस 0.9 बार लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में एक्स की वैल्यू 0.9 बार है, यहां से 0.9 बार को हम हटा देते हैं, वहां पर रखते क्या एक्स। टेन एक्स 9 प्लस एक्स, एक्स को इधर ले आते हैं, टेन एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 9 एंड 9x इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल 9 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 1।
x is equal 1 क्वेश्चन था आर यू सरप्राइज इस पर आप बात करिए सरप्राइज और नॉट देन आंसर यस देख सकते हैं आप इसकी वैल्यू निकालने पर यहां पर 1 आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ 1/17 परफॉर्म द डिवीजन एंड चेक योर आंसर यहां पर 1/17 को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और डेसिमल फॉर्म में लिखना है लिखने के साथ ये बताना है इसमें क्या ये इसका डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पर ये फिर से रिपीट होता है रिपीट में हम 17 से 1 में डिवाइड करेंगे लास्ट का को फिर से एक बार बनाता है डिजिट इज 1/17 17 से डिवाइड करते हैं डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा इट इज टू डिजिट नंबर वन डिजिट नंबर है और इनमें बड़ा है 17 छोटा है डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं डेसिमल लगाने पर भी ये 10 होता है 10 से तब भी ये 10 की क्या है इससे कम है फिर हम यहाँ 0 लगा देते हैं अब 17 से इसमें डिवाइड करेंगे ये
डिवाइड किया 5 टाइम डिवाइड हुआ रिमाइंडर इज 15 माइनस करने पर इससे 15 आने पर डेसिमल लगा देंगे तो हर बार एक क्यूब बढ़ा सकते हैं तो हमने एक क्यूब बढ़ा दिया फिर डिवाइड किया 17 ले लिया 136 माइनस करते हैं जैसे आपको बारी बताई थी कि आपके पास यहाँ रहा 9 0 बढ़ा देते हैं तो 17 से डिवाइड करें 17 बढ़ जाओ 85 रिमाइंडर इज 5 0 बढ़ाया 50 17 से फिर डिवाइड करेंगे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने पर नंबर आए 8 8 2 3 5 9 4 1 1 अभी भी पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ लास्ट नंबर बच रहा है 13 है हम 13 में आगे डिवाइड करते हैं डिवाइड करने में आपको थोड़ा समय लगेगा डिवाइड काफी ज्यादा समय तक करना पड़ेगा लास्ट में नंबर डिवाइड करते करते हम यहाँ पर नंबर फिर से लेकर आ गए 1 यहीं से डिवाइड करना हमने शुरू किया था तो यहीं पर आप फिर से वापस आ गए तो रिपीटिंग ब्लॉक हो गया
इसलिए जो बार लगा देते हैं बार में ये नंबर आप यही लीजिए फिर से ऐसे ही वापस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ दिस नंबर्स इन द फॉर्म p / q वेयर q इज नॉट इक्वल 0 वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैन यू गेस दैट व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सैटिस्फाई। P upon Q where Q is not equal to 0. Terminating decimal में किसी भी नंबर से डिवाइड करें means Q की वैल्यू किसी भी नंबर से डिवाइड करें डिवाइड करने पर decimal में आंसर terminating decimal होगा तो वहां पर Q की वैल्यू होनी चाहिए फैक्टर ऑफ 2 and 5/4। क्यूब की वैल्यू 2 का फैक्टर हो और 5 का भी फैक्टर हो या किसी एक का हो दोनों में से कुछ भी इन दोनों के फैक्टर अगर क्यू में होते हैं तो वो नंबर के कौन कौन में लिखेंगे इस नंबर हमेशा टर्मिनेट डेसिमल होता है जब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं
मीन क्यू के प्राइम फैक्टर करने पर पी के क्यू के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्यू के प्राइम फैक्टर क्यू की 2 की पावर और 5 की पावर या फिर दोनों की पावर होनी चाहिए, तब p upon q ये p upon q रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनल रेशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट थ्री नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नेगेटिव। यहां आपको 3 के डेसिमल नंबर लिखने हैं, 3 नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन नेगेटिव हो। कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, सबसे 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 और 0.0 0, कुछ भी। नेक्स्ट इज 0.2 0.2 0.0 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
और 0.303003003003003 इस तरह से
question is. Question number 8, last, पहले जो question आपने कर रखे थे, उसी की तरह करने हैं आपको. Question number 9 पर आते हैं. Class के total numbers are rational or irrational. Question number 4. And 5 is 1.1010001 0001 0001 0001. यहां आपको इन नंबर्स में क्वेश्चन आपको देखते हैं. क्वेश्चन में नंबर अलग अलग करना है आपको, रेशनल और इरेशनल. रेशनल नंबर अलग लिखना बताना है और इरेशनल नंबर अलग बताना है. तो हम यहाँ पर केवल वो नंबर ढूंढ लेते हैं जो रेशनल है. अगर रेशनल नंबर ढूंढ लेते हैं आप तो आपको इरेशनल नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनको छोड़कर बाकी के रेशनल नंबर होंगे. Question number first. It is irrational number. Irrational number इसलिए है ये क्योंकि इसका square root हम find करने पर वो terminant, non-terminant या repeating decimal में आता है. इसका सही तरह irrational number में answer नहीं आएगा क्योंकि ये irrational है, irrational है. Second question is 225. इसका square root निकालते हैं तो square root find करने पर आता है 15 आता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं 0.3796. यहाँ पर ये टर्मिनेट डेसिमल शो कर रहा है, नंबर टर्मिनेट डेसिमल है और रिपीटिंग नहीं है, कोई भी नंबर फिर से रिपीट नहीं होता, इसलिए ये डिजिट ये नंबर भी क्या है, रेशनल है. एंड क्वेश्चन नंबर 4 7 8 4 7 8, यहाँ पर भी ऐसा ही है ये. एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर रेशनल नंबर. तो आपके पास जो बच गया वो हमारे पास रहा First and five are irrational. आपकी आज यहाँ पर समाप्त होती है. और आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो
तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहीं पर कोई डाउट हो और आपकी क्लास भी आ जाए खत्म भी आती है। Gracias.